नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएलपी खबर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। शादी से लौट रहे दंपत्ति डगावा शंकर के पास सड़क हादसे का हुए शिकार। आपको बता दें, शादी समारोह से लौट रहे एक दंपत्ति सड़क हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह ग्राम डगावा शंकर के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। अस्पताल चौकी से मिली जानकारी के अनुसार हरदा निवासी दिलीप पाटिल अपनी पत्नी रश्मि पाटिल के साथ ग्राम सोमगांव से शादी समारोह से कार से लौट रहे थे। तभी ग्राम डगावा शंकर के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दिलीप पाटिल की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी रश्मि गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय रहवासियों द्वारा हरदा जिनी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। इधर जिला अस्पताल में डॉक्टर द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। यह दिलीप पाटिल, ये बालकृष्ण पाटिल इनके पिताजी का नाम है, और ये कल शादी में गए थे सोमगांव। वहाँ से लौटते समय वो नदी है वहाँ पे डांगवा डगावा, उसमें इनकी गाड़ी शायद सुबह 5 बजे स्वयं के द्वारा या जैसे अंतरिक्ष होकर अनियंत्रित होकर वो गाड़ी नदी में पलट गई, जिससे ये इनकी मृत्यु हो गई। और इनको जो है अस्पताल से लाए हैं। घटना जो है वही है, स्वयं के द्वारा जो है शायद हो सकता है जबकि उसकी लड़ने से भी हुआ हो, लेकिन अंतरिक्ष होकर गाड़ी पलट गई जिससे इनकी मृत्यु हुई है। ये अपने कुसुमपुर कॉलोनी था।